सैयद जवाद भी है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सैयद जी, आप क्या चुनौतियां देखते हैं आतिशी के सामने? नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके की चीजें हैं, चाहे दिल्ली के अंदर आप देखिए पानी भर जाता है, दिल्ली के अंदर आज भी बड़ी जो है वो टैंकर सप्लाई होती है, बहुत सी जगहों पर पानी की सप्लाई नहीं है। अभी भी दिल्ली के अंदर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया जिस तरीके का होना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अभी शिवम चावड़ा साहब कह रहे थे कि दिल्ली को बेवकूफ ना बनाए और चीजें ना करें। जब आप दिल्ली का जिक्र करते हैं तो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार और मोदी की सरकार भी आती है। जब आप जिक्र करते हैं दिल्ली सरकार का तो वो बूम रैंक के तरीके से एक बैकफायर का काम करता है और आकर के वो केंद्र सरकार को भी लगता है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, प्रशासनिक चीजें किसके अंडर में आती है? आपने चुने मुख्यमंत्री की पावर्स को जो है वो कमजोर कर दिया, अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट का आपने सम्मान नहीं किया। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस आम आदमी पार्टी के लिए तो हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी के तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर करा है, क्योंकि अब आपने अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और 6 महीने के अंदर वो दिल्ली की जनता के अंदर जा करके जो अपना परसेप्शन बनाएंगे, जो माहौल बनाएंगे, वो जो दिखाने की, जो अभी पवन शर्मा जी कह रहे थे कट्टर ईमानदार की छवि, हालांकि मुझे इस शब्द से आपत्ति होती है कि जहां पर कट्टरता आती है, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर पत्रकार हूं, मैं कट्टर जो हूं बड़े लेवल का आदमी हूं, तो कट्टरता से मुझे परहेज है। आप ईमानदार बनिए, आप छवि रखिए, कट्टरता पे आपत्ति रहती है मुझे। लेकिन हैरत की बात यह है कि दिल्ली की जनता अभी तक जो ऑब्जर्वेशन रही वो बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज मुझे नजर आई, क्योंकि इधर उसने शासन जो है वो 10 साल केंद्र सरकार का भी देखा और दिल्ली सरकार का भी देखा। जो समस्याएं चीजें थी, जो वादे करे गए थे, चाहे दिल्ली सरकार के द्वारा करे गए थे, चाहे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करे गए थे, उनमें से कुछ एक वादे तो पूरे हुए, लेकिन जो वादे बेसिक थे वो आज भी पूरे नहीं हो पाए। मसलन मैंने बताया, आज भी बड़ी समस्या जो है वो जल भराव की है, कूड़े की समस्या बहुत बड़ी है। ये जो लोकल मुद्दे हैं जिसपे सबसे ज्यादा प्रहार अरविंद केजरीवाल जी ने करा और उसमें बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को मिला, तो और एक फेस के तौर पे तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत अंदरूनी खड़े हो। अभी एके मिश्रा बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के शिवम चावड़ा बोल रहे थे, हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी एक बड़ी बगावत खड़ी होने वाली है। जो एक मैजिक कहा जा रहा था, क्योंकि अभी जो है राष्ट्रीय चुनाव निकले हैं और आप देखिए 240 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई। जम्मू कश्मीर के अंदर तो आज गृह मंत्री जी ने तो कमाल ही कर दिया, हम बोलने लगे कि हम मुसलमानों को जो है मुहर्रम पे और तमाम उनके जो त्यौहार हैं उनको सिलेंडर फ्री देंगे, 18,000 रुपये महिलाओं को देंगे, बड़ी मुसलमानों की भी वहां जाके बातें करके आए हैं। तो ये भी देखने वाली बात है, अगर इन 4 राज्य के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट हासिल होती है तो हो सकता है शीर्ष नेतृत्व और जो उनका एक पॉलिटिकल विंग ना हो करके एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन RSS, उसके अंदर बड़ी हलचल है। क्या ये देखने वाली बात होगी कि इन 4 राज्य के चुनाव के बाद क्या केंद्र सरकार की जो स्थिति है, क्योंकि सरकार खुद अभी बैसाखियों के अंदर है, क्या वो स्थिति फिर से उत्पन्न हो पाएगी? क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी भी 7 दांव पे लगी। और हैरत की बात यह है कि हरियाणा के अंदर चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं। साहब, मैं दिल्ली की बात कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का ही बता रहा हूँ, मुझे पता है इसके बाद अरविंद, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को आपने फ्री हैंड दे दिया है और अगर 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं वो तो 6 महीने के अंदर दिल्ली भी कवर करेंगे और हरियाणा भी कवर करेंगे। तो जो बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वो आतिशी संभालेंगी नहीं संभालेंगे वो सब जानते हैं कि आतिशी जी किसके कहने पर या किसके इशारे पे बनी है, कैसी चीफ मिनिस्टर होंगी, वो बगैर अरविंद केजरीवाल के कंसर्न के कुछ नहीं कर पाएंगी, वो अपना एक सिंगल डिसीजन नहीं लेंगी। देख लीजिएगा आप, चाहे कैबिनेट हो गई, ठीक है मैं मुन्ना जी के पास चल रहा हूँ, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुन्ना जी के पास चल रहा हूँ। मुन्ना जी, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, अरविंद केजरीवाल पार्टी का फेस बने रहे, दिल्ली में उनकी एक्सेप्टेंस भी थी विधानसभा में, ये हमने देखा, लेकिन अब एज ए CM वो नहीं है दिल्ली में, एक नया चेहरा मिला है दिल्ली को, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि हमारे फेस पे और हमारे बातों का मैजिक दिल्ली की जनता के साथ बना रहे, तो मैं समझता हूँ वो अब कतई होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने लगातार 10 सालों से जो विनाश देखा है, जिस तरीके से लच्छेदार भाषणों में
अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे, हम दिल्ली को दिल्ली नहीं लंदन बनाएंगे। आज आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी कोने में, आपको जल भराव की समस्या, नाले सीवर की समस्या, दूसरी चीज पानी की समस्या, जिस वादों पे ये आए थे कि पानी फ्री बिजली फ्री, ये दोनों वादे इनके फेल हो चुके। आज लोगों के घरों में 99% लोगों के घरों में बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं और प्रदूषित पानी हर घर में आ रहा है, लोग गैलन के पानी पीने पे मजबूर है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी, ये स्कूल कॉलेजेस बनाने के बाद थे, 500 स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे और जमुना सफाई होगी। आप आए दिन देखिए जो जमुना के अंदर जो बदबूदार पानी, ऐसे में भी चेहरा बदलने का फायदा हो सकता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पूरे कार्यकाल में कोई चेहरा रहता है, जब आरोप लगते हैं एंड में तो चेहरा बदल दिया जाता है कि उसका फायदा मिलेगा, तो उस लिहाज से देखें तो भी फायदे में आम आदमी पार्टी। फिर नहीं बिल्कुल केजरीवाल जो है, हाँ ये नहीं कर पाए तो अब चेहरा बदल दिया, क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? नहीं बिल्कुल, मैं आपके सवालों का जवाब दे दे रहा हूँ कि चेहरा जो बदला है 100% लोगों को 100% ये कटु सत्य है, लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही आतिशी है और आतिशी अरविंद केजरीवाल है, नकाब बदले गए हैं और दिल और दिमाग और मिजाज वही है जो 10 सालों से लगातार दिल्ली के जनता के साथ जो हाल हुआ है। आने वाले जो 2-4-6 महीने अब जो बच रहे चुनाव से पहले, उसके अंदर भी यही होना है, जनता के विकास नहीं होने। और ये सीधे सीधे आप ये समझिए कि सरकार फेलियर है, क्योंकि इस्तीफा देने का यही मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के नजरों में आप कसूरवार हो, और वो साफ वो छवि को धोने की जो कोशिश 6 महीने में जो कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल, आप देखना। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर चौक चौराहे पे, हर मोहल्ले गली डिस्ट्रिक्ट में श्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता विरोध करने जा रही है।